भी आपको कोई ग्राउंड दे रहा है तो सच्चाई तो होगी ही, क्योंकि उनकी एक्सेप्टेंस हो रही है। तो कोई कहे कि हमारा मैनेजमेंट ठीक नहीं है, तो पहली चीज तो उसको दिखाई देता है सामने वाले को मैनेजमेंट ठीक नहीं है, या हम में से ही किसी ने बताया होगा कि हमारा मैनेजमेंट ठीक नहीं है। आप ऐसे ऐसे पॉइंट उठाओगे कि निर्णय लेने की क्षमता काफ़ी धीमी गति की है, प्रबंधन ठीक नहीं है, इसलिए सरकार को जनता को लाना चाहिए। ये दो तीन तरह की गालियां हैं एक तरह से, कि सरकारी जो क्षेत्र में उपक्रम हैं वो अनलाइक अरिस्टोक्रेसी, जहां राजा होता था और राजा के भाई भाई के बेटे वो सब कंपनियां चलाते थे और जनता को चूसते थे। अगर सही मायने में लोकतंत्र है, तो अगर भारत में लोकतंत्र है और भारतीय सरकार की कोई उपक्रम है, तो बेसिकली वास्तव में वो 120 करोड़ लोगों की उसमें भागीदारी है। तो अगर प्रबंधन खराब है, निर्णय लेने की क्षमता खराब आप कह रहे हैं और उनके नेता मान रहे हैं, तो कायदे से ये 120 करोड़ लोगों को गाली देना जैसा कि तुम्हारी औकात खराब है, तुम काम के नहीं हो, तुम ठीक। और उनमें से ही 4-5 लोग उचक के गाएंगे, नहीं हम ठीक चलाते हैं, हमको अलग से इसमें कमानी है, तो ये बदमाशी होगी। और कोई विदेशी कहे तो ये तो सीधे सीधे गाली है। तो बजाय कंपनी बेचने के, आपको प्रबंधन की क्षमता, प्रबंधन के निर्णय की गति और उसमें लोच, लचक, फ्लेक्सिबिलिटी, ये तीनों को लाने पे ध्यान देना चाहिए बजाय उपक्रम को बेचे। अगर आप उपक्रम नहीं चला सकते हैं तो सरकार कैसे चला रहे हैं, इस पे प्रश्न चिन्ह लगता है और लगता भी रहता है। तो जैसे ही कोई कहता है कि प्रबंधन की क्षमता, एक छोटी कंपनी नहीं चला सकता है कोई, पूरा का पूरा सरकारी महकमा जो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा नियुक्त किए गए सरकारी नौकर या ट्रस्टीज, उनको जो भी कहें, के बारे में शंका पैदा करता है। और अगर चीज़ें सही हैं तो और भी चिंता का विषय है। तो प्रश्न बेचने का नहीं आता है, वो तो एक एक्सेप्टेंस हो गया, पूरी तरह से मान लिया कि हम नाकाबिल हैं, हम में काबिलियत ही नहीं है कि हम संस्थाएं चला सकते हैं। ये 120 करोड़ लोगों की काबिलियत के बाहर है कि वो एक खराब प्रबंध निदेशक आ जाए या 50 आदमी काम नहीं करते हैं, उनको हटा नहीं सकता, उसको डूबने देगा, उसको बिकने देगा, उसको बर्बाद होने देगा। अगर जनता में ताकत है, जो कि लोकतंत्र में होती है, तो कोई डायरेक्टर, कोई प्रबंध निर्देशक कैसे इजाजत पा सकता है कि वो उसको डुबाता चला जाए? कैसे 5,000 लोग सिर्फ दिन में 8 घंटे की नौकरी में 2 घंटे काम कर सकते हैं, जबकि उनको पैसा 8 घंटे का दिया जा रहा है? तब नियमों की समालोचना, उनको बदलना अगर बेकार है, वह जरूरत है, ना कि कंपनी बेचना। क्योंकि जो लोग भी कंपनी बेचने के समर्थक हैं, चाहे वह न्यायालय हो, इजाजत देती हो, या लेजिस्लेटिव है, प्रश्न चिन्ह खड़ा होता कि आपको क्यों नहीं बेच दिया जाए। अगर न्यायालय ये इजाजत देती है कि हाँ आप बेच सकते हैं, तो आपके निर्णय की क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगता है। और अगर लेजिस्लेटिव कहती है तो फिर भारत सरकार को ही किराए पे दे दो, या जो भी लोकतंत्र की सरकार हो, चाहे अमेरिका की हो, जापान की हो, उसको किराए पे दिया जा सकता है। यहाँ फिर पूर्व में जो हमने कहा कि कई लोग ये नारा देते हैं कि सत्ता व्यापारी तो प्रजा भिखारी, ये तब तक ही लागू था जब तक डिक्टेटरशिप थी, अरिस्टोक्रेसी थी, या ताकत के दम पे सरकार थी जिसमें जनता को निचोड़ने का काम किया जाता था, या गवर्नमेंट ऑफ द रिचेस फॉर द रिचेस बाय द रिचेस, इंपीरियलिज्म की भावना जहाँ थी तब ये चीज़ें थी, या कैपिटलिज्म की चीज़ें जहाँ हैं उसमें, कि कुछ लोग कैपिटल पैदा करने के लिए उनको सस्ते दामों पर नौकर चाहिए होते हैं। तब होता था कि कैपिटलिज्म बढ़ेगा तो दूसरा भिखारी होगा, गरीब होगा। जैसे एक बहुत छोटी सी कहानी, कविता कही जाती है कि भगवान बारिश जोर जोर से करो, अच्छी करो, और जब बारिश अच्छी होगी तो किसान हंसेगा और बनिया जो जमाखोरी करता है वो रोएगा। बरसो राम झला झलिया, हंसे किसान रोए बनिया। तो जब भगवान की कृपा रहेगी, जब जनता की चीज़ें रहेंगी, तो आम जनता खुश होगी,
कुछ इम्पीरियलिस्टिक एटीट्यूड के लोग, कुछ कैपिटलिस्ट एटीट्यूड के लोग, कुछ नियो क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी के समर्थक, और ऐसे ही तमाम थ्योरीज, चाहे वह सामंतवाद की हों या दूसरी थ्योरीज के जो प्रवर्तक हैं, ये जानते हुए कि सारी इकोनॉमिक थ्योरी एक जगह या दूसरी जगह फेल हुई, वह लोग डिसइन्वेस्टमेंट की बात का एक तरीके से या दूसरे तरीके से गुणगान करते हैं। बिक तो जाए यार किसी भी तरह, यार ये हवाई जहाज की फैक्ट्री हमको खरीदना है, एयर इंडिया खरीदना है, तो हम जुगाड़ लगाएंगे यार इसके प्रबंध निर्देशक को, तुम ढीले निर्णय लो। अखबार में बोलेंगे कि यार ये ठीक ठाक नहीं चलते हैं, इससे अच्छे तो प्राइवेट हैं। उनके लोगों को कहेंगे क्यों काम कर रहे हो नेतागिरी, 2 घंटे काम करो, कौन सी सरकार तुमको रोकती है, पूरी तनख्वाह मिलेगी, काम करो ना करो तनख्वाह मिलेगी। तो अलग अलग तरीके से उसको खराब करेंगे, और फिर विदेशी निवेश के नाम पर या बेहतर प्रबंधन के नाम पर कुछ प्राइवेट संस्थाएं या कुछ ज़्यादा एम्बिशियस महत्वाकांक्षी लोग उसको खरीदने की कोशिश करें। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सरकार की भागीदारी के साथ साथ जनता की भागीदारी तो शेयर देंगे। तो अगर एक कंपनी 1 लाख करोड़ की, जैसे सेल मान लो या कोल इंडिया लिमिटेड मान लो, तो आज की डेट में अगर उसके शेयर बाजार में नहीं है तो 1 लाख करोड़ में 120 करोड़ जनता की भागीदारी है। कल के दिन अगर आपने उसके 20% शेयर बेच दिए तो सिर्फ 80% मतलब 80,000 करोड़ पे 120 करोड़ की भागीदारी हुई, और जो 20% आपने 20,000 करोड़ शेयर बेचे, वो चाहे LIC ले या जनता में शेयर ले या कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट, उस पे 20 करोड़ पे सिर्फ चुनिंदा 5,000, 7,000 या कई बार 5-7 लोगों की ही भागीदारी हो जाती है। तो जो लोग कहते हैं कि भागीदारी बढ़ाना है, इन्वेस्टमेंट क्रिएशन करना है, वो बेसिकली 120 करोड़ जनता पर भरोसा ना करते हुए उनकी भागीदारी कम करते हैं। और तीसरी चीज, अगर आपको कोई काम करना नहीं है तो चुनाव में मुद्दा बना के उतरे ना कि हम फला फला कंपनी को बेचेंगे। ये आफ्टर थॉट क्यों आता है, चुनाव एक मुद्दे पे जीतते हैं और बात दूसरी करते हैं कि हम कोल इंडिया में डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे 20% का, तब वोटिंग में इकोनॉमिक पॉलिसी पे भी डिसीजन हो कि सरकार तो आप चलाओगे, ये बेचोगे कि नहीं बेचोगे। तब डेमोक्रेसी में भी सुधार की ज़रूरतें हैं कि आप जब भी इलेक्शन करें तो आप अपना ब्रॉड एजेंडा दें और हर 10 क्वेश्चन पे लोग आंसर करें। एडमिनिस्ट्रेशन आप चलाएंगे लेकिन ये चीज़ें नहीं बेचेंगे, तो जनता से सीधा निर्णय होगा। जो 60-70 बरस की स्वतंत्रता में जनता ने कमाया और सरकार पर भरोसा करके सरकार ने लगाया, वो आपको बहका के, आपको फुसला के, प्रलोभन दे के, रिश्वत दे के नेताओं या सत्यमेव जयते जो कहते हैं सेक्रेटरीज को या प्रबंध निर्देशकों को, खराब काम करने के लिए डिसीजन नहीं लो, चीज़ें खराब हो जाएंगी, तो आप कुछ लोगों को कंपनी बेच देते हैं, वह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं, वो चाहे किसी भी दुनिया के कोने का। उदाहरण जरूर हम भारत का ले रहे हैं लेकिन वह सभी जगह लागू होता है। और शॉर्टकट के लिए ऐसे काम हमेशा कुछ इम्पीरियलिस्टिक एटीट्यूड के लोग, कुछ आज आपके यहाँ लोग हैं और उनको अगर कनाडा में कंपनी खरीदनी है तो वो भी वही दलीलें देंगे जो आज आप देते हैं। ये सब दलीलें कोई मतलब नहीं लोकतंत्र में, कम से कम जहाँ अरिस्टोक्रेसी चल रही है वहाँ की बात छोड़ देते हैं।